नमस्कार, रॉयल इंडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2022 है और आप सभी देशवासियों को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन जो है अपना पैर पसार रहा है, उसी को देखते हुए बिहार सरकार ने कुछ ऐसे जगहों को बंद किए हैं जहां पर आप घूमने नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आज के दिन में हम लोग गाँव में ही घूमेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम हैं फिलहाल कुसहर में, कुसहर चौक पे, और मेरे साथ है सुबोध और प्रेम जी के हैं। हम चाय पीने आए हुए हैं। ये प्रेम जी चाय बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। आप लोग अगर कभी कुसहर आए तो एक बार प्रेम जी के यहाँ चाय ज़रूर पिए। फिलहाल हम लोगों ने चाय का ऑर्डर किया था प्रेम जी के यहाँ, और देखिए मेरा और सुबोध को प्रेम जी चाय दे दिए हैं। प्रेम जी, आप कुछ कहना चाहिएगा? हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं। हम क्या कहें, हमको कहने से कुछ थोड़े होगा। लोग तो कहते ही हैं कि आपके यहाँ का जो चाय है बहुत टेस्टी रहता है। और अभी हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं पासवान चौक के पेट्रोल पंप पे, जो कि बंद पड़ा है। और यहाँ पे एक दुकान है, प्रमोद जी का सर्विसिंग सेंटर है। प्रमोद जी आज के दिन में भी मेहनत कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आज नया साल है, उसके बावजूद भी इतने कड़ाके के ठंड में भी प्रमोद जी मेहनत कर रहे हैं। तो प्रमोद जी को दिल से सल्यूट करते हैं कि इससे इतना मेहनती बनने के लिए। लेकिन आज के दिन में प्रमोद जी को मेहनत नहीं करना चाहिए था, घर परिवार के साथ में रहना चाहिए था, क्योंकि आज नया साल है, नौ वर्ष है। आप देख सकते हैं, आपको एक दिखाते हैं। ये देखिए हमारे प्रमोद जी है, जो आज नए साल के दिन में भी इतना बेचारा मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं एक गांव के ही प्लेग्राउंड में, जहां पे क्रिकेट का आयोजन किया गया है, और फिर हम वहां आपको दिखाते हैं कि हमारे गांव के क्रिकेटरों लोग को कैसे खेलते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे गांव के एक फील्ड में, जहां पे क्रिकेट का आयोजन किया गया है। हमारे सुबोध जी है जो गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम वहां पे आ चुके हैं जहां पे हमारे ग्रामीणों द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जुलाई 3 में एक और खिलाड़ी का नाम है विनय कुमार। हम बहुत ही पार्टी देना चाहते हैं, आपके दर्शन पास नहीं सौ रन को दो रन की आवश्यकता है आने के लिए। दक्षिणा पर रखी से देखते हैं। मेरा 50 रुपये की हो गया तो कैसे खेलेगा, अब तो राजनीति का प्रश्न न हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है दोस्तों, अभी टूर्नामेंट वही हो रही है जहाँ पे हम लोगों ने 10th हम लोग यहीं से क्लियर किया है। हम लोगों का बचपन का स्कूल है, और स्कूल के ठीक सामने एक पोखर है, देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग बचपन में पोखर में आकर के नहाया भी करते थे। और हमारी स्कूल है, हम लोग 10th यहीं से क्लियर किए हैं। तो सबसे अच्छी बात लगी कि यहीं पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया हमारे ग्रामीणों द्वारा। और गांव शहरों में क्या है, शहर तो हम लोग रोज़ और डेली घूमते हैं, कभी कभी हम लोगों को गांव में भी आकर के अपने गांव के ग्रामीणों से मिलना चाहिए, गांव घूमना चाहिए। आप देख सकते हैं, और ये हमारी बुलबुल है जिसे हम लोग बुलेट के नाम से जानते हैं। और हमारे साथ है हमारे मित्र जो कि शिक्षक है, संजय राय जी।
संजय राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें यहाँ पे घुमाने के लिए लाए और क्रिकेट का टूर्नामेंट देखने का मौका मिला। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के जय हिंद।